ना एक चीज़ वापस आ गई है, मुझे लग रहा है कि ये सिम्बा ही है। जिस तरह से वो घर पे आता है, आराम से बैठता है, सेटअप है ना, कुत्ता घुसा हुआ है। अब इसको हम किसी तरह से निकालते भाई। वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक और मस्त होंगे। शादी वगैरह खत्म होगी लेकिन शादी का काम खत्म नहीं हो रहा है। मतलब शादी में मैं आपको दिखा नहीं पाया, इतनी बुरी हालत थी ना मेरी कि मतलब फ़ोन तो फ़ोन, मुझे है ना पानी पीने की फुर्सत नहीं मिली है। इतनी बुरी हालत हो गई है कि एक बंदा मेरे साथ और होता ना तो हम वीडियो वगैरह बनाते। आदिल वगैरह था लेकिन आदिल को और काम थे, मुझे कुछ और, तो फिर मतलब सारे जा चुके हैं। आज घर पे भी बस दो तीन बंदे बचे हुए हैं, हम बाकी तो कोई नहीं है। और देखिए अभी भी जो सामान वगैरह ना, ये देखिए आप, ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। अभी ना इसको कहीं पे सेटिंग वगैरह करनी है। सारा सामान घर का मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे बिस्तरे वगैरह पड़े हुए हैं जो, ये देखिए आप, कल सारे जा चुके थे। कुछ सामान हमने कल किया था शिफ्ट, लेकिन इतना ज़्यादा काम है ना कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कुछ लोगों का सामान देना है, जो बर्तन वगैरह देने हैं वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। बाकी घर पे सेटिंग वगैरह करनी है वो भी ऐसे ही पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ी सी आपको भी बताते हैं क्या हालत हो चुकी है शादी के बाद हमारी। कुछ ना कहीं पड़ा हुआ है। इधर देखिए आप, कुछ सामान यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे लॉबी में पड़ा हुआ है, कुछ रूम में है। मतलब हालत तो इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है ना, तो मैं रूम का भी दिखाऊंगा कि हम इसको शिफ्ट करेंगे आज, देखते हैं अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो। कुछ नीचे भी काम चल रहा है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी ना यहाँ की सफाई वगैरह हो गई है तो इसको भी हमने थोड़ा सा ठीक कर दिया है। बाकी सब तो छोड़ो, लेकिन शादी के दिनों में ना इनको भी बाहर निकालने का मौका नहीं मिला, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ की भी, किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं रहा हमें। किसी को दाना वगैरह कुछ सेटअप है ना, कुत्ता घुसा हुआ है। अब इसको हम किसी तरह से निकालते भाई। मुर्गों का शोर, यहाँ से नहीं, मुझे कुत्ते की वजह से सारी मुर्गियां बाहर भाग गई थी ना, तो अभी एक एक को करके मैंने अंदर डाला है। अंदर फिर फाइट स्टार्ट हो गई, इन दोनों का एक बड़ा मसला हो गया। अब ये अंदर नहीं रहते दोनों साथ में, मुझे किसी को बाहर निकालना पड़ेगा। आज इनको दाना वगैरह डाल देते हैं हम। मुर्गे तो अभी भी यहीं पे, मैंने इनको देखा ही नहीं, लेकिन इनको भी दाना वगैरह डाल दें। ऐसी हालत हो गई ना कि मतलब किसी चीज़ का भी ध्यान नहीं रहा हमें शादी में। इतना ज़्यादा इंसान बिजी हो जाता ना शादी के काम, तो बहुत ही मतलब इंसान को तंग करके छोड़ देना। ये देखिए आप, अभी भी कुछ सामान देना है, सब काफ़ी सामान, मतलब सब बर्तन वगैरह हैं, और ये शैटरिंग का जो सामान है जिसका हमने शैट वगैरह बनाया था वो भी अभी हमने देना है। तो यहाँ पे इनको भी दाना वगैरह डाल दिया। और इतने ज़्यादा भूखे ना, एक दूसरे पे चढ़ के खा रहे हैं। वैसे तो पहले ये किसी के साथ रहते हैं, तो आज हमने इनको फीड वगैरह डाली है ताकि थोड़े से ना ये ठीक हो जाएँ, इनकी ना हालत ही ख़राब हो गई है। ना थोड़ा सा सामान रह गया था, ये दो डंडे, तो ये भी मैं दे के आता हूँ गाड़ी पे इमरान भाई को, तो वो उनको दे देंगे। मतलब मेरा कौन जाएगा अब यहाँ से मंडी इनके लिए। पहले ये दे के आता हूँ, थोड़ी सी फुर्सत मिलती और यहाँ पे ना मेरा दानियाल आराम से बैठ के नारियल छील रहे। ये देखिए इसको भी, क्या ये नारियल पानी, इसको ना पानी अच्छा लग जाए, बाकी तो कुछ नहीं। ये देखिए हमारे माल मवेशी पूरे दिन से, आज ना मेरा हाथ भी जल गया। ये देखिए आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरा हाथ जला हुआ है, इतनी बुरी हालत है, क्या बताएं। हमारे घर ना एक चीज़ वापस आ गई है, मुझे लग रहा है कि ये सिम्बा ही है। जिस तरह से वो घर पे आता है, आराम से बैठता है, कितना अरसा हो गया। मतलब आप सब कुछ को तो पता नहीं हुआ सिम्बा था कौन, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर बैठा हुआ दिख रहा है आपको ये वाला, कैसे हो सकता है कि घर आना, खाना वगैरह खाना, जो हम इसको डालते हैं जो कुछ भी। ये देखिए आप, यहाँ पे देखिए इसको, उसको देख देख के ना, उसको देखिए आप, सेम टू सेम उसी की तरह सिम्बा की तरह। आजा 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 इधर आजा, कैसे
यार क्या ये हो सकता है, इतने देर बाद घर वापिस आ जाए खुद ही, ना कोई लाया ना कुछ। मुझे तो वही लगता है, बाकी किसी का पता नहीं। आजा आजा सिम्बा सिम्बा, तो कल परसों से ना अब यहाँ पे आ गया ये। ओ बहू, यहाँ तो उसकी कॉपी है। इसको ना सब भी देख के हैरान हो चुके हैं, ये सिम्बा है या फिर कोई ऐसे ही है। उसी की तरह इसकी धूम, उसी की तरह हरकतें, घर में आना, अंदर घुस जाना। घर पे ना कोई नहीं है, तो घर इतना बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है ना, सच बताऊँ तो 2 दिन पहले ना इतनी ज़्यादा महफिल थी यहाँ पे, मज़ा ही आ रहा था, लेकिन अब घर पे कोई नहीं है तो इतना अजीब लग रहा है घर, एक मिनट भी यहाँ पे दिल नहीं लग रहा है। तो इसी पे करते हैं आज की वीडियो का, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को फॉलो करना, और वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करो। अब इंशाल्लाह कुछ और प्लानिंग है मेरी, अब वो तो मैं सोच रहा हूँ वही करते हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो वो भी पॉसिबल है, अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो फिर हम क्या करने, लेकिन ये रही रिचुअल चाबी, इसको यहाँ पे डालते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।